हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉकेटिव फूडी हीना। गर्मियों का टाइम है, ऊपर से लॉकडाउन है, तो बाहर के ड्रिंक्स अवॉइड करके घर में बनाते हैं इजी एंड सिंपल कोल्ड ड्रिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वाटरमेलन की बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे वाटरमेलन, जिसके बीज मैंने अच्छे से निकाल लिए हैं, और कुछ बीज अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको ग्राइंड करके छानेंगे ही। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसके जो डंठल थे वो निकाल दिए हैं और सिर्फ लीव्स लिए हैं और अच्छे से धो लिए। ये मैंने हाफ टेबल स्पून काला नमक लिया है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। और ये मैंने 1.5 टेबल स्पून चीनी लिया मीठे के लिए। आप चाहें तो इसको नेचुरल बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर तरबूज आपका मीठा ना हो तो थोड़ा शुगर डालेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल अदरक लिया है, अदरक का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन इसका फ्लेवर और टेस्ट इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने 1 नींबू का रस लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने जार लिया है, जार के अंदर मैं तरबूज डालूंगी। जो ये ड्रिंक मैं बना रही हूँ ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ पीसेस मैंने बचा लिए हैं लास्ट की गार्निशिंग के लिए। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पुदीना डालूँगी और ये भी मैं थोड़ा सा बचा लूँगी एंड में इसको चॉप करके डालने के लिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारी चीनी। चीनी यहाँ पर मैं पहले थोड़ी कम ही डाल रही हूँ, और अगर ज़रूरत लगेगा तो मैं ये पूरी चीनी ऐड कर दूँगी। और मैं इसके अंदर अब डाल रही हूँ हमारा अदरक। अदरक ये मैंने सारा डाल दिया है। अभी नींबू का रस और जो ये हमारा काला नमक है ये मैं थोड़ी देर में डालूँगी, पहले मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको छानूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स वैसे तो मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है तो मेरे को लगता है ये थोड़ी सी जो इसके पल्प होते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते हैं इस ड्रिंक में, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से छान लूँगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये स्पेशली समर ड्रिंक है, समर में आपको वाटरमेलन बहुत ईजली मिल जाता है। जितना बनाना आसान है उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी एक बार इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये इसका तरबूज का जूस है जो मैंने ग्राइंड किया था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालेंगे, ये मैंने 1/2 छोटा चम्मच लिया है, और इसको मिला दूँगी। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा नींबू। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हमारा पुदीना जो मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स साथ ही मैं अब मैंने जो थोड़े तरबूज के पीसेस बचाए थे ये मैं इनको अच्छे से फाइन चॉप कर लूँगी बहुत छोटा, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये फाइन चॉप कर लिए हैं, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और रेडी है हमारी वाटरमेलन की रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो फ्रेंड्स आप एंजॉय कीजिए ये वाटरमेलन रिफ्रेशिंग ड्रिंक, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।